कहाँ पे जा रहे हो? हम पटाखे लेने जा रहे हैं। पटाखे लेने जा रहे हो? नमस्ते, हाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, इट्स सो बॉय विशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अभी बज रहे हैं सुबह के 10। हैप्पी दीपावली टू एवरीवन। दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहो, खुश रहो, बहुत सारी मिठाइयां खाओ और फटाके फोड़ो। आज मैं थोड़ा लेट नहीं उठा, मैं जल्दी उठ गया था, बट जो मेरा फोन है वो भीम लेके गया हुआ था कहीं पे, मतलब वो गया था तो वो लेके गया हुआ था मेरा फोन। उसके बाद वो जस्ट अभी आया, फिर मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया। इसीलिए हाँ की पूरी अभी सफाई किए थे, मम्मी ने की थी, ये देखो मैंने आरती ने दोनों मिल के की थी। लाइट्स वगैरह तो अभी जला ही नहीं, क्योंकि अभी दिन में तो इनको बंद कर देनी चाहिए। अभी बाइक शायद धुली नहीं है हमारी, हो रही है हमारी बाइक नहीं, शायद वॉश पता नहीं हुई नहीं हुई, उसको अभी वॉश करेंगे, देखते हैं। वॉश शायद हो गई है, पापा या तो कंपनी से करके ले आए होंगे। यहाँ पे बनाएंगे रंगोली, है ना? रंगोली कहाँ बनाएंगे रंगोली? यहाँ पे बनाएंगे, अच्छा यही रंगोली बनाएंगे। अभी तो इसको सूखने देंगे, पहले 3-4 बजे चालू करेंगे रंगोली बनाना स्टार्ट, है ना? ये देख, ठीक है, रंगोली वाली कुपी इसमें इसे करके इस, अच्छा इस ऐसा भी होता है क्या आजकल? हाँ। टेक्नोलॉजी बढ़ गई ना, इसीलिए हो रहा है सब कुछ। क्या इसमें अरे यार ये ऐसा कहाँ बोले, मतलब जुगाड़ मान लो, जुगाड़। अभी तो क्या, मैं आया हूँ अपने फोन की किस्त जमा कराने, यहीं से मैं अपनी किस्त जमा कराऊंगा। किस्त तो हमने जमा करा दी थी, अब मैं और बीच वाले मामा जा रहे हैं उनके लिए कपड़े लेने, स्कीम के अंदर ही जाएंगे, देखते क्या होता है। गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं। तो हम शॉप पे तो पहुंच चुके हैं, हम कपड़े वाली शॉप पे पहुंच चुके हैं। ये न्यू फैशन है और सामने केजीएफ दिखाता हूं तुम्हें। यस, क्या मस्त लग रहे हैं यार। कपड़े तो चलो ले लिए, बहुत मुश्किलों के बाद मिले कपड़े। अभी बहुत तेज भूख लग रही है तो पताशी खाएंगे सबसे पहले। मार्केट गया था तो मेरे को वहाँ से मतलब जो कपड़े मिले, मामा ने तो दूसरे लिए थे, बाकी मामा दूसरी शर्ट भी लेके आए थे जो मैं अभी पहन रखा हूँ, ये भी लाए थे। तो मामा ने बोला देखो अगर अभी पहननी है तो पहन ले, फिर मैं सोचा ठीक है अभी मैं पहन लेता हूँ। वैसे मेरे पास कोई अभी नए कपड़े थे नहीं, कुर्ता पजामा लेके आऊँ वो तो रात को पहनूंगा, तो ये वाली जो शर्ट है ये भी मैंने सोचा अभी पहन लेता हूँ। तो अभी मैं और पापा जा रहे हैं मार्केट, जैसे कि आपको पता है अब हम लाएंगे पूजा का सामान, जो मेन पूजा का सामान है वो सब। और पापा ने भी अभी तक कपड़े नहीं लिए हैं, तो पापा के लिए भी कपड़े लाने हैं और पापा आवाज लगा रहे थे चलते हैं। ये वाला थैला लेके चलना पड़ेगा क्योंकि सामान लाने ना इतने सारे, बाइक पे चल रहे हैं आज तो। पापा के लिए तो यहाँ से लेंगे कपड़े, देखो मस्त है श्री राधे कलेक्शन, यहीं से लेंगे पापा के लिए कपड़े। देखते हैं क्या क्या सामान लेंगे। हद से ज्यादा ही भीड़ है मार्केट में, अब क्या करें बताओ, पूरा मार्केट फुल है क्योंकि आज तो दिवाली है, तो आज तो पहले ही बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ये देखो हर माल 10 रुपए का है, कुछ भी लो सब कुछ 10 रुपए का मिलेगा, ये सही है यार एकदम। ये सब कुछ कितने का है? 10 रुपए का है सब कुछ। सिंगाड़े सिंगाड़े सबसे मेन चीज अब ये है, लक्ष्मी माता का पन्ना, इसके अंदर सब कुछ है, सारा सामान पूजा का जो भी होता है ना वो। रंगोली ले रहे हैं आप? रंगोली 3 या 4 लेंगे शायद। अब सबसे मुश्किल काम है, आप दिए छाटो, अभी 25 दिए छाटने हैं बताओ। हद से ज्यादा ही भीड़ है यहाँ पे, बिल्कुल भी मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रहा यहाँ पे सही में, क्योंकि इतनी ज्यादा आवाज आ रही है कि मेरी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। पूरा सामान ले लिया, अभी डायरेक्ट घर जाएंगे सबसे पहले। ये देखो ट्रैफिक, निकले तो कहाँ से निकले बताओ। ये लो ये सारा सामान रखो यहाँ पे, थक गया मैं बहुत ज्यादा।
क्या कौन सी पूजा का पटरा आ रही है, सब धोना है बर्तन भी। धोए तो लाते धो देना, इसको बोलो ये धोएगी। मैं तो काम करके मेरे बाल पूरे एकदम ऐसे सूख चुके हैं, मेरे बाल एकदम मतलब अजीब से लग रहे हैं, तो मैं सबसे पहले इनकी ऑयलिंग करूंगा। सरसों का तेल सबसे बेस्ट होता है, बट किधर है तो अब सामान तो आ गया, बस अब गन्ने बचे तो गन्ने लेके आते हैं। पकड़ो 40 के दो ले। अब इनको लेके कैसे जाए ये और समझ नहीं आ रहा मेरे को, है तो इतने इतने छोटे से, और फिर भी बाइक पे पकड़ने पड़ेंगे सही तरीके से। गन्ने तो ले लिए और अब डायरेक्ट घर ही जाना है। अब हम घर आ चुके हैं, सारा सामान लिया है, अब पूरा टोटल सामान आ चुका है। भीम पता नहीं क्यों चांदपुल गया है, शायद दीपांशु के साथ गया है, उसको दीपांशु ने अभी तक कुर्ता पजामा नहीं लिया है, तो क्रेश आया भी मेरा फ्रेंड। सो सबसे पहले देखता हूँ मैं क्या क्या लाया हूँ। मिठाई अभी लाए थे, गुलाब जामुन है इसमें, इसमें बर्फी है, ये रहा गन्ना, बाकी दिए वगैरह सब कुछ यहीं पे रखा है। पापा अभी गाड़ी वॉश करवा के आए हैं पास से, 20 रुपये में हो गई पूरी गाड़ी वॉश बताओ। और जो इसके ऊपर पॉलिश लगती है ना, वो तो थी नहीं हमारे पास, तो पापा क्या करे, ये जो हाथ पैरों पे लोशन लगाते हैं ना, उससे ही पूरी गाड़ी को चमका दिए बताओ। अब देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी गाड़ी, ये देखो इसने काम किया है लोशन ने पूरा। कहाँ पे जा रहे हो? हम पटाखे लेने जा रहे हैं। पटाखे लेने जा रहे हो? हाय बाय बाय। पटाखे लेने जा रहे हो पुच्ची? हाँ। अच्छा बाय कर दो। और गाइस जो मैं नए गद्दे लेके आया था ना, उसका नए गद्दे तो पहले लेके आ गए थे, जो उसका कवर लेके आया था वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये है, ये है पटाखा तो तू ही लिया, तो इस पे भी ये वाला ही है, ये सारे खत्म हो गए है, थोड़े बहुत ही है बट और लेके आने पड़ेंगे, तो अभी मैं जाऊंगा और दिए लेके आऊंगा। अंकल जी दिए कैसे दिए? एक का एक 50 के दे दो। 50 दिए। ये देखो स्ट्रेटनर से बाल स्ट्रेट कर रही है। अभी तक हुए नहीं, इधर की साइड के होगा। अच्छा अच्छे लग रहे हैं। सही है, अभी हुए नहीं, ठीक ठाक है मतलब। मम्मी नया वाला चादर निकाल रहे हैं जो कि बिछाएंगे। वेलवेट कौन सा होता है? ये वाला। देख लो कौन सा अच्छा लगेगा बेड पे, जो भी अच्छा लगेगा वो वाला लगा दो। ये भी नहीं है, लेकिन अब इसके से ये खोल नहीं है। अच्छा ये? नहीं ये वाला, ये वाला बिछाओ, इसकी खोल ही नहीं है। वही तो, आज तो मैं 1% भी फ्री नहीं हूँ। जैसे ही घर पहुंचा फिर पापा ने बोल दिया कि घी लेके आ, तेल लेके आ और बेसन लेके आना है, तो अब जाएंगे किसी किराने की दुकान पे और ये तीनों चीजें लेके आएंगे। कपूर एक एक पीस खा ले। नहीं कितने ये आएंगे कपूर? 4-5 दे दूं। हाँ 5 और बोलो। और ये तो गए घी, घी कितना? आधा किलो। बढ़िया। हाँ सरस है ना? हाँ सरस, सरस ही देना। सामान यहाँ रख देता हूँ। ये देखो बेडशीट तो आ गई, मतलब लग गई बेडशीट, तो बहुत प्यारी लग रही है सही में। भीम, भीम भी अभी चांदपोल से आया, क्या बोलते हैं वो कब पहनेगा तू कुर्ता पजामा? ना अभी नहाया नहीं है, वापस नहाएगा? मन कर रहा है, गर्मी गर्मी हो गई। अच्छा मैं तो नहीं नहाऊं। हाँ बिना नहाए पहनूंगा तो। मिठाई तो खिला दे। मिठाई कहाँ है? अरे ये वाली मिठाई है तो पापा को कंपनी से मिली थी, मिठाई दिखाता हूँ मैं तुम्हें। देखो इसके अंदर 5 टाइप की मिठाई थी, पर सब खत्म हो गई। और लक्ष्मी माता के लिए तो दूसरी मिठाई लाए, जैसे कि पता है बर्फी और गुलाब जामुन। आरती अभी तक रेडी नहीं हुई है, ना मैं हुआ हूँ ना भीम हुआ, कोई भी नहीं हुआ अभी तक रेडी, बस पापा हो गए, क्योंकि पापा जैसे कपड़े लाए उसके बाद पापा ने डायरेक्ट कपड़े पहन लिए। मामा भी पहन लिए कपड़े, और अभी मैं पहनूंगा अपना कुर्ता पजामा, और भीम मेरे लिए स्लीपर लेके आया है, कोल्हापुरी चप्पल जिसे बोलते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर ही दिखेगा, मतलब जो पार्ट 2 है उसके अंदर ही बताऊंगा। और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में मेरी गलती मुझे ज़रूर बताना, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय।
सेकंड पार्ट जरूर देखना, अभी बहुत मजा आने वाला है। अभी तो असली मजा तो अब आएगा, जैसे कि लक्ष्मी माता की पूजा होगी और जयपुर की पूरा मतलब लाइटिंग में दिखाऊंगा। सो पार्ट टू मिस मत करना। बाय।